ग्रेट, आप कैसे हैं बताइए सजाद। थैंक यू अच्छे। आप घर पे हैं पूरा दिन? मुंबई में ही हो आप अभी? हाँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, तो अभी भी मुंबई में है। सो यू शिफ्टेड हियर फाइनली। पिछले 2 साल से, अब 2 साल हो गया, 2018 अप्रैल में शिफ्ट। ओके, पहले तो आप ये बताइए आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है? इतनी अच्छी पता नहीं है या नहीं, बस अब पिछले 3 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मतलब जब हम ओ टाइगर्स एंड जी नाइस शुरू किए थे जी 2017 में, तो उस टाइम पे मैं हिंदी बात करना शुरू किया। अब तो आराम से अब ठीक हो रहा है। मतलब पता नहीं ठीक है अब तक या अच्छी है, या बस अच्छी हो रहा है। वी लव यू इन स्पेशल ऑप्स, स्पेशली वो 1 लाख खान, दैट इज ब्रिलियंट ब्रिलियंट। थैंक यू थैंक चलो, कैसे कैसे हाँ किया? और पहले भी आपने ये टेररिस्ट का रोल प्ले किया था, तो वॉज इट इजी टू प्ले इट अगेन और कुछ डिफरेंट था ये रोल आपको लगा कुछ? यू। ये रोल तो काफी डिफरेंट था। अगर आपने देखा, ये काफी चिल बंदा है। मतलब उतना, मतलब आपको लगता है कि ये अपने से है, आपको नहीं लगता है कि मतलब ये टेररिस्ट हो सकता है। मतलब जब आप के साथ बात करते हो, आपको लगता है कि ये एक बिजनेसमैन हो सकता है, जो उनका प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट देख रहे हैं लाइफ में। तो हमें अब लोग, काफी लोग देखे हैं अब तक। क्या है कि हमें चीट करना था कि एंड तक हम चीट किए कि सबको ऐसा लगे कि ये वही एक बिजनेसमैन, नॉर्मल बिजनेसमैन है। आप टेररिस्ट में फंस गए हैं, टेररिस्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको स्लाइड लीड दिखाना था। मुश्किल तो उतना नहीं था, कुछ करेक्टर में कुछ ऐड नहीं करना था, क्योंकि नीरज जी ने काफी मुझे गाइडेंस दे दिए। जो जो भी थे या अब शूटिंग से पहले, तो मतलब ये उतना, मतलब रिसर्च भी मैंने जैसे टाइगर जिंदा है में रिसर्च किया। मतलब 2 महीने रिसर्च, 2.5 महीने रिसर्च के करेक्टर के बारे में, और मतलब जरूरत नहीं पड़ा इस कैरेक्टर, इस किरदार के लिए। टाइगर जिंदा है में आपने क्या रिसर्च किया था 2 महीना? कहाँ पे, कौन से है टाइगर जिंदा है के लिए व्हाट डिड यू डू? कि काफी अलग कैरेक्टर था। मतलब बहुत ही अलग किरदार था, क्योंकि वो किरदार क्या था, वो क्या बता रहा था कि मैं जो भी कर रहा हूं, मुझे पता है कि ये गलत है, मेरे पास वजह है और वो वजह बता रहा। तो अब मैं, अगर मैं कहूँ सज्जाद, तो ये वजह को मैं नहीं मानता हूं कि अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं भी ऐसा करूं, मैं गलत के साथ जवाब दे दूं। पर कन्विंस होने के लिए कि मतलब कैरेक्टर, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मैं कैरेक्टर को बिलीव नहीं करूं, नहीं मानूं, तो लोग कैसे मानेंगे। तो इसके लिए काफी रिसर्च किया, हिस्ट्री काफी पढ़ ली है। मेनली मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि काफी जो चीजें हैं, जो जैसे वो पॉइंट करते थे, ये काफी जो सच्ची टेररिज्म मूवीज डॉक्यूमेंट्रीज से ले लिए, मेनली फ्रॉम तालिबान, जो वीडियोस में देखा हर दिन, और ये और काफी डॉक्यूमेंट्रीज देखा। मतलब इट्स नॉट रियली गुड थिंग्स टू वॉच, इट्स बिकम हेवी आफ्टर पॉइंट, यू नो। पर हम अपने काम के लिए तो कुछ भी करते हैं, सो वी हैव ऑनेस्टी। आपको देख के ऐसा लगा जैसे होता है ना, एक करेक्टर को देख के हेट करने का मन करता है और खूब गुस्सा आता है, तो उसका मतलब ये होता है कि कितनी परफॉर्मेंस में कितना एक्सपर्टीज है आप और कितने अच्छे से आप करेक्टर में उतर के उस रोल को प्ले करते हैं। सो दिस इज द ब्रिलियंट वर्क दैट यू हैव डन इन बोथ सीरीज, उसमें भी और फिल्म में भी ऑफकोर्स। तो आप थैंक बताइए अभी कुछ ऐसा वैसा कुछ ऑफर आ रहा है कुछ हीरो जैसा? बिकॉज आपकी लुक इतनी क्यूट है, आप इतने गुड लुकिंग है, इतने हैंडसम है, तो और क्या क्या ऑफर आ रहा है कुछ पॉजिटिव रोल का, कुछ लीड रोल का ऑफर? यू। हाँ, पॉजिटिव रोल का ऑफर है, पर हमें वेट करने हैं आप ये
लगता हूँ खत्म होने के लिए, और इसके बाद देखते हैं जी आप इंडस्ट्री कैसा प्रोसेस, ये प्रोसेस कैसे जी शुरू होगा और कब शुरू होगा वो वेट करना है हमें। आपके फैंस क्रेजी हो रहे हैं, आपको मैसेजेस कर रहे हैं और आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं आपके रोल्स के लिए। आप पहले थोड़ा उनसे भी बात कर लीजिए। कैन यू सी देम? मैं यही देख रहा हूँ। ओके, सज्जाद लफूज आर्मी, मैं आप शुक्रिया बोलना चाहता हूँ सज्जाद लफूज आर्मी, क्यों हमेशा मैसेजेस भेज देता है या भेज देती है, और मुझे टैग भी, हाय हाय सज्जाद लफूज आर्मी, वही सज्जाद लफूज आर्मी कॉपी लिखती रहती है। सो श्रेया हाय, हाय एवरीवन, लव यू टू, मोहित हाय। तो ये आई मीन इट्स अमेजिंग, क्योंकि अब एक बात बोलूं कि मैं टाइगर जिंदा है कि उससे पहले मतलब काफी काम किया है मैंने, इंटरनेशनल जॉब्स जो भी हैं, पर हमें हमारे काम कभी नजर नहीं आता था, कभी कोई या देखता था नहीं या मतलब अप्रिशिएट नहीं होता। बस क्या हुआ कि टाइगर जिंदा है के बाद लोग हमारे काम देखना शुरू किए हैं, तो जब लोग हमारे लाइंस याद रखते हैं तो यार बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, इट्स वेरी लवली फीलिंग। या लोग बैक टू बैक पूछ रहे सजाद आप सिंगल हो? सिंगल हूँ, हाँ मैं शादी किया हूँ अपने जॉब के बाप साथ। आई एम बिजी विद माई वर्क आजकल, आज भी लिखता रहता है, मतलब पूरा दिन तो घर पे है, सो सिर्फ लिखता ही रहते हैं, और कभी कभी मूवी भी देखते हैं बीच में। क्या क्या फॉलो करते हैं नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे, क्या क्या देखा, क्या सीरीज देखी आपने? मैं लास्ट देखा कामयाब मूवी, बहुत अच्छी मूवी था, बहुत स्वीट मूवी था, बहुत बहुत ही ऑनेस्ट मूवी था, एंड आई वांट टू थैंक्स राघव एंड शाहरुख भाई इस प्रोड्यूसिंग इट, फॉर प्रोड्यूसिंग इट, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे कंटेंट था और बहुत ही मतलब ऑनेस्ट कंटेंट था जो बहुत कम है अब मार्केट में, तो बिल्कुल दे डिड अमेजिंग जॉब। बिल्कुल। आपने ईरान में कुछ फिल्म प्रोड्यूस करी या कुछ डायरेक्ट करी? हमने ऐसे सुना, कहीं पढ़ रहे थे हम। क्या किया है ईरान आपने? में नहीं, मैं दो दो अरबिक मूवी, जो मैं ईरान से हूँ, अच्छा हमारे भाषा जो है जी फारसी है, मैं अरबिक भी बात करता हूँ, तो दो अरबिक मूवी शॉर्ट मूवी डायरेक्ट किया, लिखा। अब उस दौरान में हमारे पास कुछ इतना प्रोडक्शन नहीं था, तो एक कैमरा थे हमारे पास और एक कैमरामैन, और उसके साथ तो सब चीज खत्म करना था, मतलब सब चीज फिक्स करनी थी, जैसा भी है जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग थे, लो बजट और जीरो बजट फिल्म मेकिंग के थे। आप देख सकते हो दोनों मूवी, एक द चॉइस, अगर आप यूट्यूब पे लिखो द चॉइस सज्जाद दिलफरूज या ड्रीमर सज्जाद दिलफरूज, यूट्यूब में देख सकते हो आप, और देख के बताइए आपके ओपिनियन। जरूर जरूर। आगे फ्यूचर में भी कुछ ऐसा प्लान है आपका डायरेक्ट करने का या प्रोड्यूस करने का? बिकॉज अब जी तो है, आपको क्योंकि अब आती है अच्छे से। प्रोड्यूसिंग के बारे में मुझे नहीं पता, बस जी लिखने में तो है, क्योंकि मैं हमेशा लिखता रहता हूँ और मुझे लिखने में बहुत शौक है, और मुझे शायरी में बहुत शौक है, मुझे बहुत पसंद है, तो हाँ जरूर शौक है। अब लिखें काफी भी स्क्रिप्ट, अब देख लेंगे टाइम पे क्या होगा। सलमान से कभी मिलना हुआ टाइगर के बाद? कभी मीटिंग हुई आपकी उनके साथ? जी सलमान भाई से मीटिंग हुई काफी, उसके बाद 3-4 बार मिले थे। ओके ओके। तो कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑफर किया उन्होंने आपको? बिकॉज यू वर ब्रिलियंट इन टाइगर जिंदा है, तो कुछ ऑफर हुआ दोबारा कुछ ऐसा? अब तो कुछ कुछ ऑफर्स नहीं है, बस देखते हैं, अब तो कुछ ऑफर नहीं। तो सजा कैसे सेलेक्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को, अपनी स्क्रिप्ट को आप? बिकॉज जो भी अभी तक आपने सेलेक्ट किया वो बहुत अच्छा था, सबने बहुत अप्रिशिएट किया। अभी
किस बेस पे सिलेक्शन प्रोसीजर होता है आपकी स्क्रिप्ट का? सबसे पहले तो वही स्क्रिप्ट होता है, सबसे पहले मेरे लिए इसके। अब आप अगर हम तो जो मैं इंडिया में काम किया, एक टाइगर जिंदा है, स्पेशल ऑप्स, ओवरकोट, सारे तो बड़े डायरेक्टर्स के साथ, मतलब जब एक नॉन डायरेक्टर्स और अच्छा डायरेक्टर्स आपको ऑफर देते हैं तो आप ना बोल नहीं सकते हो। मतलब दैट्स योर ड्रीम, आपके सपना होता है कि उनके साथ काम करें, ये तो ये अलग बात है। बस दूसरी बात, जब नया डायरेक्टर आता है तो सबसे पहले तो मैं स्क्रिप्ट को देखता हूँ। स्क्रिप्ट ने करेक्टर को, उसके बाद करेक्टर किरदार जो है, क्योंकि मैं अपना किरदार प्ले नहीं करना चाहता कि मैं खुद की करेक्टर कैमरा के सामने प्ले करूं। मैं ऐसा एक्टर नहीं हूं, मतलब मैं, मुझे अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग किरदार प्ले करना है, जो नया है, मेरे लिए भी नया होना चाहिए, क्योंकि वैसा ही मैं सीखता हूँ। मतलब कैरेक्टर और स्क्रिप्ट, ये दो मेन चीजें हैं, इम्पोर्टेंट है। ओके, आप शायरी भी लिखते हैं सज्जाद? आपने बोला आप लिखते भी हैं, तो कुछ शायरी हो जाए। शायरी लिखता हूँ मैं, पर फारसी में लिखता हूँ, अब तक हिंदी में शुरू नहीं किया है, होपफुली फ्यूचर में, पर फारसी में लिखता हूँ जो अपने भाषा है। ओके, तो हिंदी में लिखने का प्लान कर रहे हैं फिर आप कुछ? अब प्लान पता ही नहीं, बट होपफुली देखते हैं, आप हिंदी अच्छा हो के मतलब लिखना भी शुरू करेंगे। पहले सलमान खान जैसे दिग्गज, उसके बाद के मैनन साहब जो बहुत ही ब्रिलियंट रहे हैं उस सीरीज में, कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस और कैसे हैं वो एज अ पर्सन? के सर कैसे हैं एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन कैसे हैं वो? एज अ ह्यूमन, ही इज अ ट्रू ह्यूमन बीइंग। मतलब आप जब के से मिलोगे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 30 साल इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और जब के अपने काम के बारे में बात कर रहे हैं, अपने किरदार के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी उनका मतलब नया किरदार कर रहे हैं, वो वही किरदार के बारे में बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि एक न्यू कमर है। मतलब उनके पास इतना एक्साइटमेंट है, मतलब इन 30 साल के बाद फिर भी वैसा बात कर रहे हैं कि ये उनका पहला ही काम है। That's amazed me, कि मतलब एक इंसान के पास कितना शौक हो सकता है, कितना मतलब उनको अपना काम से प्यार हो सकता है कि उनको लगे कि ये मेरा पहला दिन है सेट में। तो that was amazed me, कि और यहाँ पर अभी कितने दोस्त बने आपके बॉलीवुड के, किनसे किनसे दोस्ती हुई, कौन कौन अभी आपके टच में है लॉकडाउन पीरियड में? तो काफी है, परेश तो इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, परेश पहुजा, और काफी दोस्तों हैं, दिव्या भी हैं, दिव्या दत्ता, सो वी ऑल टॉक, मतलब काफी दोस्तों हैं इस इंडस्ट्री में, सो वी एवरीडे सम टाइम टू टाइम वी टॉक एंड शेयर थिंग्स। कोई ऐसा एक्टर है या कोई ऐसा डायरेक्टर है जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं इन फ्यूचर? जी जरूर है काफी है, मतलब मैं कमाल हसन जी के साथ काम करना चाहता हूँ अगर मौका मिले, और काफी डायरेक्टर्स हैं, करण जौहर के साथ, लिस्ट का आई मीन लिस्ट काफी लंबा होगा, काफी है, काफी लोग हैं, अगर सुन रहे हैं तो कमाल हसन जी। तो सबसे ज्यादा फिल्में कौन सी पसंद करते हैं, पुरानी नई कैसी फिल्म्स देखते हैं, हिंदी फिल्म बॉलीवुड कौन सी पसंद है? अब पुराने और नया पता ही नहीं, अब बोल नहीं सकते क्योंकि हर जमाने में उनका ही मूवी होते हैं, हर जमाने में मूवी चेंज होता रहता है, नया स्टोरीज आता रहता है, डायरेक्शन, टेक्नोलॉजी, सब चीज मूवी में चेंज हो गया है। मैं बहुत ही वो मूवीज जो इंसानियत के बारे में, जो ह्यूमन के बारे में बात करते हैं,
मुझे बहुत पसंद है। जैसे कामयाब मूवी था जस्ट लास्ट टाइम, वो मतलब एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। या वही संजय मिश्रा जी की मूवी थे एक आंखों देखे, आंखों देखी, ओ दैट हाँ इज आंखों रियली, देखे, हाँ आंखों देखी, हाँ रजत कपूर की मूवी एक वो पसंद है। हाँ मतलब जो मूवी जो इंसान के बारे में बात कर रहे हैं और सिंप्लिसिटी, मतलब बहुत ही सिंपल वे और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं स्टोरी को, वैसा ही मूवी मुझे बहुत पसंद है। एक मूवी है भारतीय मूवी जो के नाम है कोर्ट, कोर्ट ओके तो वैसा ही मूवी जो सिंपल होते हैं बहुत पसंद है। ईरान में आप पैदा हुए, वहीं पर आप पले बड़े हैं, तो हाउ डिड यू प्लान टू कम इन इंडिया, और बॉलीवुड कैसे आना हुआ, और कैसे कैसे सिलेक्शन सोचा कि यहाँ पर जाकर के फर्दर आगे काम करना है, व्हाट अब मैं अट्रैक्टेड यू ईरान, मोर? हाँ मैं ईरान में पैदा हुआ, बस उसके बाद हम सॉरी मैं मैसेजेस देख रहा हूँ, मैसेज मूव भी नहीं कर रहा, मैसेज आ रहा है। तो उसके बाद ओके हम मूव किए थे यूएई, जो शारजा में थे हम, और ओके शारजा में मतलब हम इंडियन नेबरहुड में थे, जो लोग क्रिकेट खेलते थे और इंडियन मूवी देखते, तो वहां से ये जो इंट्रोडक्शन था बॉलीवुड का वहां से शुरू हो गया। उस टाइम पे मतलब जो सिंगल थिएटर थे हम वहां जा रहे थे, वहां जाके मतलब टीनेजर टाइम पे वहां जाके शाहरुख भाई की मूवी देखते थे हम। तो इंडिया का इंडियन कल्चर का बहुत शौक था, मतलब एक्टिंग का मुझे कभी शौक ही नहीं। जैसे मैं कभी भी नहीं सोचता था कि एक दिन मैं एक्टर बनूं और मतलब अपना बिल पे करूं एक्टिंग के साथ, मतलब पता ही नहीं था कि एक्टिंग पैसा मिलता है या नहीं मिलता है, वो मुझे पता ही नहीं था। लग रहा था कि एक्टिंग कुछ होते हैं, काम ही नहीं होते हैं। तो हमने काम की और स्कूल खत्म की, यूनिवर्सिटी, उसके बाद कॉलेज, बैचलर मास्टर खत्म की, उसके बाद हमें लगा कि लाइफ बहुत बोरिंग चल रही है, मतलब हमें पता ही नहीं क्या वो लाइफ में हमारे सपना क्या था। क्योंकि जब आप कॉलेज से पहले काफी सपना थे, बस कॉलेज के बाद जब काम शुरू किए, कॉर्पोरेट काम शुरू किए, पूरा सपना ही भूल गए, मतलब मुझे पता ही नहीं था क्या ही करना है इस लाइफ में। तो मैंने सोचा मतलब कुछ फंड करते हैं लाइफ में, जो उस टाइम मैं दुबई में रहता था, अबू धाबी में रहता था, और दुबई में काफी मॉडलिंग काम जो कमर्शियल वाले वो काफी चलता था। तो मैंने सोचा दुबई मूव करूं अब और वहां से शुरू करूं। तो दुबई मूव किया, मुझे लगा कि 1 साल में तो बन जाएगा एक बड़ा एक्टर, वैसा ही नहीं था कभी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल चलता रहता था। 7 साल के बाद मुझे मौका मिला टाइगर जिंदा है में एक्ट करना, तो वही टर्निंग पॉइंट था। बिग ब्रेक दैट वाज, या सो व्हाट डिफरेंस डिड यू सी इंडिया में भी? आपने देखा रहे, आपने काम करा, यू वर्क्ड इन ईरान और दुबई आल्सो, सो व्हाट हाँ डिफरेंस डिड यू सी इन बोथ द कंट्रीज, और एज कंपेयर टू इंडिया अदर कंट्रीज में क्या डिफरेंस लगा, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से या रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से? अब रहने तो हर देश का अलग ही तरीका है रहने में, तो ये तो है एक बात है। दूसरी बात ये है जो इंडिया में है, तो मैं अलग अलग प्रोडक्शन के साथ काफी काम किया है, जो इंग्लिश मूवी में, ऑस्ट्रेलियन फिल्म में, अरब मुल्कों में काफी काम किए, जो कुवैती सीरीज या मराठी सीरीज। क्या है कि इंडिया में दोस्ती का बहुत ही मीनिंग होते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है दोस्त।
मतलब वहां पे क्या होता है कि विद रिस्पेक्ट जो दूसरे इंडस्ट्री आपके वेस्ट इंडस्ट्री में बात करते हैं कि काम खत्म हो गए तो आप घर पे जाओ और खत्म। बस यहाँ पे क्या होता है कि वही क्रू के साथ वही एक्टर्स के साथ मतलब वो दोस्ती करता रहता है और आप हर दिन बात करते हो और दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स ब्यूटीफुल। और मुझे यहाँ सीखना लगा, मतलब क्या हमारे बात लिए भी है, काम ही था, मतलब काम कर लो और वापस घर वापस जाओ, बस अब तो चेंज। क्या बात है। तो अभी कौन सा प्रोजेक्ट पे बात चल रही है आफ्टर लॉकडाउन, व्हाट यू विल डू? अब हमें वेट करना है क्योंकि जो बात चल रहा था लॉकडाउन से पहले चल रहा था, अब सब चीज होल्ड में है, तो लेट दिस फिनिश, अब देखते हैं उसके बाद वी कैन अनाउंस। सो आर यू स्टेइंग अलोन अभी लॉकडाउन के टाइम पे? कौन है आपके साथ घर पे, कौन है? मैं अकेला रहता हूँ, मैं अकेला रहता हूँ पिछले। हाँ तो और आई बीन अलोन काफी टाइम से, आदत पड़ गई। आई डोंट हैव टीवी ऑल्सो, एक बात बोलो, मेरे पास टीवी है नहीं, पिछले 10 साल से टीवी है नहीं मेरे पास, और मैं टीवी देखता नहीं हूँ। तो आप सो कैसे टाइम अब स्पेंड करते हैं, क्या करके आप कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, क्या करते रहते लिखता हूँ, मैं ज्यादा पढ़ता हूँ, वो जो क्या बोलते हैं, टीवी नहीं देखता हूँ, शौक उतना नहीं है मुझे, पढ़ने में बहुत शौक है, लिखने में शौक है, थी मूवीज देखते हूँ लैपटॉप पे, अभी बहुत करना भी नहीं, ओके लिखने में मुझे बहुत शौक है। क्या कैसी बुक्स पढ़ते हैं आप, क्या पसंद करते हैं बुक्स में? वही बुक्स जो इंसान की, इंसानियत के बारे में बात करते हैं, जैसे खालिद हुसैनी की बुक्स जो है, काइट रनर के राइटर। लास्ट बुक मैंने पढ़ लिया एक इजिप्शियन स्टोरी था जो याकूबियान, जो इंसानियत के बारे में है, जो भी बुक्स हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता। कोई आइडियल है आपका इंडस्ट्री में, किसी के जैसा बनना चाहते हैं या कोई बहुत ज्यादा पसंद हो इस इंडस्ट्री से आपको? मुझे हमेशा खुद की मतलब कैसे बोलूं, मुझे कभी ऐसा, मेरे पास आइडल नहीं था लाइफ में, क्योंकि हर किसी के पास अलग ही लाइफ होते हैं, अलग सिचुएशन है, हम अलग तरीके से रहते हैं और अलग तरीके से फील करते हैं चीजों को, तो किसी के जैसा नहीं बनना है, बस अपना लाइफ जीना है, तो अच्छा सा जीना है बस। हर कोई जब आता है मुंबई या बॉलीवुड में या कहीं पर भी, एक ड्रीम लेके आता है। आप क्या ड्रीम लेके आए थे, और आज से 5 इयर्स के बाद अगर सज्जाद होंगे तो कहाँ होंगे बॉलीवुड में, कहाँ देखते हैं आप खुद को सज्जाद? मैं सबसे पहले बॉलीवुड में काम करना चाहता हूँ, जो भी है, मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि लोग बहुत बोलते हैं ऐसा रोल करना है वैसा रोल, मैं हमेशा कि ऐसा रोल मत करना, मैं कह रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है कि हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री की हर दिन पता ही नहीं 3,000 कितने लोग मुंबई में आते हैं सिर्फ अपने लक ट्राई करने के लिए, तो हमें ये चांस मिला है, ये कुछ नसीबी मिला है कि हम इस में काम करें, और इतना टैलेंटेड लोग हैं और बीच में हमें काम, तो ये सबसे जरूरी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है। कहाँ देखना चाहता हूँ, तो बहुत अलग अलग रोल करना है, एक तो एक बात ये है, दूसरी बात जो अपना स्क्रिप्ट है वो भी मूवी बनाना है हमें, ये तो यही सपना है। क्या बात है सज्जाद, बहुत सारे फैंस हैं जो गुस्सा भी कर रहे हैं कि आप, मैं उनसे बात कर रही हूँ और आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा सा उनसे बात कर लीजिए, नाम हाँ लेके जी, कुछ नहीं। मैं यही देख रहा हूँ, मैं अब देख रहा हूँ, आई वॉज रियली हाँ सॉरी, ये हाँ वैभव सोनी हाय, मंजू भाई हाय, सर सीक्रेट गेम में आपको होना चाहिए था और हमें आपसे मिलना है सज्जाद, श्योर वन डे होपफुली सून सर आपको।
आपको शॉपिंग के लिए देखा जब स्पेशल ऑप्स की शूट चल रही थी, आपको शॉपिंग के लिए मतलब शॉपिंग के लिए ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। न्यूशिन न्यूशिन जिबा, पता नहीं अब ये गुस्सा में लग रही है, आई डोंट नो व्हाई। आई मीन वी आर रीडिंग योर कमेंट्स, वी आर एनीथिंग। हाँ न्यूशा, आप तो सॉरी, मेरे मोबाइल तो हैंग किए हैं, सुनाइए। हाय सजा, न्यूशिन न्यूशा न्यूशिन जेबा, सही पढ़ रहा हूँ तो। यू आर क्लियर इन एवरी कैरेक्टर यू प्ले, शार्प टू। थैंक यू सो मच। यस यू कैन यू लुक फैंटास्टिक इन स्पेशल ऑप्स, HYATRCL। आप कैसा पढ़ सकते हैं नाम तो, हाई आयात या इधर, सही है क्या, सही प्रॉब है। हाँ, एक्चुअली रेगुलर मैसेजेस आ भी रहे तो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड ऑल द नेम्स। हाँ इज वेरी गुड। पीयूष 34 कह रहा है कि सर आपके लिए टीवी भेजूं क्या, अब मैं देखता नहीं हूँ, आप भेज सकते हो, मतलब अगर है आपके पास फ्री है तो भेज दो, बस मैं प्रॉमिस नहीं करूँ, मैं देख लूंगा, मतलब यूज नहीं करूंगा। हेलो फ्रॉम नासिक, दर्शन कजाल, दर्शन कजाल, आई रियली लाइक टू कम टू नासिक, आई सीन द पिक्चर और होपफुली वन डे विल विजिट देयर। इंडिया में कहाँ कहाँ घूमे आप सज्जाद, क्या क्या देखा आपने, कौन कौन सी अब सिटीज विजिट तक जो कहीं भी मैं गया काम के लिए गया, अब मुझे टाइम ही नहीं मिला। करी? न्यूशिन जेबा को बोलो थैंक यू, वेरी गुड, अब गुस्सा में आ जाएगी तो। इंडिया में तो कहीं भी हमने गए सिर्फ काम के लिए गए, मैंने नॉर्थ गया, शिमला में गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। जब सडनली मुंबई से बाहर जा रहे हो और शिमला, तो बहुत दो हाँ, ब्यूटीफुल। जगह है। हाँ दिल्ली में ही है, और दिल्ली में उतना टाइम नहीं मिला खाने खाना ट्राई करने के लिए, क्योंकि हम सब हमें पता है दिल्ली का खाना तो मशहूर है, हमें टाइम नहीं मिला। गोवा मैंने नहीं गया है, अब तक तो गोवा नहीं गया है, क्योंकि गोवा मेनली इज फॉर हॉलीडे, और अब तक तो हॉलीडे में मैंने नहीं गया है। कहाँ पे गया इंडिया में, और बैंकॉक बैंगलोर मैंने गया है, आई लव इट, मैंने 3 बार बैंगलोर गया है, आई ट्रूली लव दिस, क्योंकि मुझे वॉक करना का बहुत शौक है और बहुत अच्छा लगता है मुझे वॉक करना। अब मुंबई में उतना स्पेस नहीं है, मैं वेस्ट में रहता हूँ, जो स्पेस नहीं है मुंबई में, क्योंकि रिक्शा तो है, साइकिल है, सब चीज है, एक साथ ही मतलब वॉक नहीं कर सकते। तो बैंगलोर में काफी जगह है वॉक करने के लिए, और मैं मतलब 2 आवर वॉक करता रहता बैंगलोर क्या में। बात है, और शिमला में भी यही है, शिमला में भी यही है, शिमला तो लोग पूरा दिन वॉक करके काम पे जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगा। तो कहीं भी जो मुझे स्पेस मिले वॉक करने के लिए और सब चीज ऑब्जर्व करने के लिए, तो मुझे अच्छा लगता नाइस। तो आप घर में अकेले रह रहे हैं, क्या क्या कुक करते हैं, क्या बना लेते हैं खाने में, और सबसे फेवरेट डिश कौन सी है? है। मैं सबसे पहले बोलूं कि मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, और मैं बहुत अच्छा खाना भी बनाता। क्या बात है, मैं अगर आर्टिस्ट नहीं हो गया था तो शेफ होना चाहिए था क्या मुझे। बात बस मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत शौक है। यहाँ पे तो जो भी है आजकल, मतलब जो भी मिलते हैं मार्केट से हम बनाते हैं, इसके नहीं खाते हैं। तो बस सबसे ज्यादा मुझे दाल मखनी पसंद है, मेरे फेवरेट अच्छा दाल मखनी
क्या बात है, हम सबकी फेवरेट है वो। तो सज्जाद बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आपके पास टाइम की शॉर्टेज होगी, और अब आप बस हमसे रखने के बाद क्या करने जा रहे हैं अब? सॉरी आपके आवाज, जब हमसे बातें बंद कर देंगे, अभी आप लाइव बंद कर देंगे, फिर क्या करने जा रहे हैं अब आप? मैं इसके बाद लिखना शुरू करूंगा, वही तो टीवी तो नहीं है तो कुछ तो लिखते हैं ना तो ऑप्शन है नहीं हमारे पास उतना, मैं और ऑप्शन भी उतना भी नहीं रखता हूँ, तो लिखना शुरू करते हैं बस। बस चलते चलते आपके फैंस लगातार बोल रहे हैं कि अपनी किसी फिल्म का या सीरीज का अपना फेवरेट डायलॉग बोल दीजिए अपने अंदाज में, बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं तो फेवरेट टाइगर डायलॉग। जिंदा है कि डायलॉग बताइए। आदमी उस दिन नहीं मरता जब उसके सांसें कम, आदमी उस दिन मरता जिस दिन उसकी इज्जत। ये था डायलॉग। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बस फैंस को एक मैसेज दे दीजिए और फिर हम आपसे अलविदा करते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड रियली अपोलोजाइज क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं मिला कि सबके कमेंट पढ़ने के लिए, बट थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच सजा, प्लीज घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और फिर जल्दी मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।